दिस नाउ इज द टाइम टू लर्न अबाउट कॉस्ट बेसलाइन। कॉस्ट बेसलाइन के बारे में जानेंगे अब, जो कि वो पोर्शन होता है हमारे बजट का या कॉस्ट का, ओवरऑल बजट का, जो कि जिस पे प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल होता है। सो इसमें हमारे कंटेंजेंसी रिजर्व्स भी आ जाते हैं, और हमारे जो वर्क पैकेजेस और एक्टिविटीज़ के ऊपर जो भी कॉस्ट लगती है वो भी आ जाती है, और जो मैनेजमेंट रिजर्व्स हैं वो कॉस्ट बेसलाइन में नहीं आते, और मैनेजमेंट रिजर्व्स जो है वो फाइनल बजट में ऐड होते हैं, जब पूरा प्रोजेक्ट का बजट बनता है उसमें ऐड होते हैं। तो अब देखते हैं जरा, एक टावर डायग्राम है हमारे सामने, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कैसे कैसे जो है रोल अप करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन को, ताकि हमारा जो फाइनल कॉस्ट बजट है, प्रोजेक्ट बजट है, वो बन जाए। सो हम सबसे पहले हमारी आती है एक्टिविटी एस्टिमेट्स। तो एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, ताकि हमारे एक वर्क पैकेज का एस्टिमेट बन पाए। टोटल एस्टिमेट ऑफ अ वर्क पैकेज बनता है जब हम रोल अप करते हैं या ऐड करते हैं एक्टिविटी के एस्टिमेट्स को। जब वर्क पैकेज का एस्टिमेट बन जाता है, तो बहुत सारे वर्क पैकेजेस के एस्टिमेट को रोल अप करते हैं, ताकि हमारा कंट्रोल अकाउंट का एस्टिमेट बन जाए। और जब कंट्रोल अकाउंट्स, जिनमें बहुत सारे वर्क पैकेज होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, जब कंट्रोल अकाउंट्स, बहुत सारे कंट्रोल अकाउंट्स को रोल अप करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट बनते हैं। और प्रोजेक्ट के एस्टीमेट और कंटेंजेंसी रिजर्व्स, जो भी प्रोजेक्ट के एस्टीमेट हैं और जो भी कंटेंजेंसी रिजर्व्स हैं, उन दोनों को मिला के हमारी कॉस्ट बेस लाइन बनती है। कॉस्ट बेस लाइन और कॉस्ट बेस लाइन और मैनेजमेंट रिजर्व्स को मिला के हमारा कॉस्ट बजट बनता है, जो फाइनल बजट होता है, फाइनल बजट होता है। सो पहले एक्टिविटी, एक्टिविटी का बजट और एक्टिविटी की कॉस्ट ऐड की, तो वर्क पैकेज एस्टीमेट बन गया। वर्क पैकेज एस्टीमेट्स को ऐड किया, तो कंट्रोल अकाउंट का एस्टीमेट बन गया। कंट्रोल अकाउंट और प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स, कंट्रोल अकाउंट और प्रोजेक्ट एस्टीमेट जो हैं वो मिला के हमारा जो है कंटेंजेंसी रिजर्व्स बन गया, और कंटेंजेंसी रिजर्व्स ऐड करके जो है हमारा कॉस्ट बेस लाइन बन गया। कॉस्ट बेस लाइन और इन सबको ऐड करके जो है हमारा मैनेजमेंट रिजर्व्स बन गया। मैनेजमेंट रिजर्व्स को बाकी सबसे ऐड करके जो है हमारा कॉस्ट बजट बन गया, टोटल बजट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे जो कंट्रोल, जो हमारे प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स हैं, जो टोटल प्रोजेक्ट एस्टीमेट है, वो कंटेंजेंसी रिजर्व्स के साथ मिल जाता है, और कंटेंजेंसी रिजर्व्स के साथ मिलके जो है हमारा कॉस्ट बेस लाइन बनाता है। और कॉस्ट बेस लाइन और मैनेजमेंट रिजर्व्स मिलके कॉस्ट बजट बनाता है। द कंट्रोल अकाउंट एस्टीमेट्स विल बी रोल्ड अप टू बिकम प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स, और कंटेंजेंसी रिजर्व्स विल बी एडिड टू द प्रोजेक्ट एस्टीमेट टू कम अप विद द कॉस्ट बेस लाइन। मतलब कंटेंजेंसी रिजर्व्स जो हैं, उनको ऐड करेंगे प्रोजेक्ट एस्टीमेट से, तो हमारी कॉस्ट बेस लाइन बनेगी, और फिर जो फाइनल एस्टीमेट आएगा उसको ऐड करेंगे मैनेजमेंट रिजर्व्स में, तो फाइनल कॉस्ट बजट आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों, ये सब हमने क्या किया, ये हमने कॉस्ट एग्रीगेशन किया, कॉस्ट को ऐड किया। जो भी हमारी कॉस्ट थी, इंडिविजुअल कॉस्ट, एक्टिविटी की कॉस्ट, वर्क पैकेज की कॉस्ट, कंट्रोल अकाउंट की कॉस्ट, उन सबको ऐड किया, ताकि हमारा ओवरऑल बजट हमें मिल जाए। सो कॉस्ट एग्रीगेशन करके हमें क्या मिलता है, ओवरऑल कॉस्ट बजट। सो दोस्तों, कॉस्ट बेसलाइन और ओवरऑल कॉस्ट बजट या ओवरऑल बजट में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि कॉस्ट बेसलाइन जो है अप्रूव्ड वर्जन होता है हमारा कॉस्ट एस्टिमेट का, और ये जो है, ये मतलब इसमें जो है सारे फंड्स अप्रूव्ड होते हैं और ऑथराइज होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इनको यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि जो रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स जो हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो ओवरऑल बजट का पार्ट होते हैं। रिजर्व्स मतलब जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट एस्टिमेट्स लगा रखे हैं, वो रिजर्व्स जो होते हैं वो ओवरऑल बजट के होते हैं, नॉट अ सेपरेट फ्रॉम दैट। और उसके अलावा जो कंटेंजेंसी
रिजर्व्स होते हैं, जैसा कि पहले डिस्कस किया, नॉन जो रिस्क पता है, जो रिस्क आने हैं उनके लिए होते हैं, और जो मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं वो अननोन रिस्क के लिए होते हैं, जो पता नहीं हमें कि आएंगे या नहीं आएंगे। और कंटेंजेंसी रिजर्व्स और जो है सिर्फ हम प्रोजेक्ट एस्टिमेट में ऐड करते हैं ताकि हमें मिल जाए कॉस्ट बेस लाइन। सो दोस्तों, जो रिस्क हमने एड्रेस नहीं करे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान में, रिस्क मैनेजमेंट प्लान में, वो उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए जो है कंटेंजेंसी रिजर्व्स यूज होते हैं। कॉस्ट बेस लाइन में प्रोजेक्ट एस्टीमेट भी आ गया और कंटेंजेंसी रिजर्व्स भी आ गया रिस्क हैंडल करने के लिए। कॉस्ट बेस लाइन जो है उसमें वो पैसा होता है जिसको, उस पैसे की बात होती है, उस कॉस्ट की बात होती है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर रेडी तरीके से हैंडल कर सकता है। कंटेंजेंसी रिजर्व्स वो पार्ट होता है कॉस्ट बेस लाइन का, वो पार्ट होता है कंटेंजेंसी रिजर्व, उसको भी प्रोजेक्ट मैनेजर रेडीली यूज कर सकता है रिस्क एड्रेस करने के लिए। सो बजट डिटरमाइन करने के बाद जो है अब हमारा जो अगला काम है, अगला प्रोसेस है, वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। सो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। आई होप बहुत अच्छा जा रहा है ये सेशन। सो दोस्तों, कंट्रोल कॉस्ट कैसे करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल जो है उसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं और मेजर करते हैं कॉस्ट को। इस प्रोसेस के दौरान हम इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो डिफाइंड फंड्स से ज़्यादा ना हो पाए, उनसे एक्सीड ना हो पाए जितने फंड्स हमने एलोकेट करे हैं, और हमें जो है वर्क परफॉर्मेंस भी मेज़र करनी है अगेंस्ट द मनी स्पेंट। मीन्स जो भी पैसा हमने एक्टिविटी पे खर्च करा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क परफॉर्मेंस मिल रही है, ये भी हमें इंश्योर करते रहना पड़ता है कंट्रोल कॉस्ट प्रोसेस में। कंट्रोल कॉस्ट प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स अपडेटिंग द कॉस्ट ऑन द प्रोजेक्ट। सो हमें वेरिएंसेस भी देखने पड़ते हैं और चेंजेस भी मैनेज करने पड़ते हैं बेस लाइन में। सो एंड इफ अगर कोई वेरिएंस आता है तो हमें जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वो कैसे करते हैं? उसके लिए एक टर्म है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। सो अर्नड वैल्यू कैसे होगी? वैल्यू हम अर्न कैसे करेंगे? वैल्यू अर्न होगी जब हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से परफॉर्म करेगा अगेंस्ट स्कोप बेस लाइन, अगेंस्ट स्केड्यूल बेस लाइन, और अगेंस्ट कॉस्ट बेस लाइन। सो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट ईवीएम, ईवीएम जो है, या अर्नड वैल्यू जो है, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट ये कब हेल्प करती है हमें? ये हेल्प करती है जब हमारे परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट के दौरान, और हम एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, ताकि हम कस्टमर को, मैनेजमेंट को अपने प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है ये बता सकें। सो जो हमारी बेस लाइन होती है कॉस्ट हो गया, स्कोप बेस लाइन होगी, स्केड्यूल बेस लाइन होगी, हम मेज़र करते हैं डेविएशंस। और डेविएशंस के अलावा जो है ईवीएम हेल्प करता है हमें मैनेज करने के लिए फॉर फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस होगी, आगे जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो परफॉर्मेंस होगी प्रोजेक्ट की, या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होता है ईवीएम। सो ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये कॉस्ट को, प्रोजेक्ट के जो खर्चा है कॉस्ट है उसको, प्लस प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको, प्लस स्कोप ऑफ वर्क है, सबको अकाउंट करता है। और ये तीनों जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो तीनों बेस लाइन मिला के बनाते हैं हमारा परफॉर्मेंस बेस लाइन। सो फ्रेंड्स, आप कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम्पल्स। तो अगर कोई आपसे सवाल करे कि प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एज़ पर एस्टिमेट्स, तो आप क्या जवाब दोगे?
इसका आंसर है एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। और अगर आपसे कोई पूछे कि अभी तक जो है इस पर्टिकुलर टाइम तक जो है काम कर रहे हैं हम लोग, वर्क कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम तक प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक जो वर्क किया गया उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अर्नड वैल्यू। सो पहला हो गया एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हुआ एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, एसी भी बोलते हैं उसको। और अर्नड वैल्यू कितनी वैल्यू मिली है काम की इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, उसको बोलते हैं ईवी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट वेरियंस। वेरियंस मतलब डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस मतलब अभी तक जो है जो हमने प्लान किया था, जो हमने वर्क की जो कॉस्ट प्लान की थी, ठीक है, जो हमने वर्क की कॉस्ट प्लान की थी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस वर्क की कॉस्ट कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस मतलब जो हमने प्लान की थी उसके हिसाब से अभी कितनी है, कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम है आपके उसमें बजट स्केड्यूल जो होता है आपका, उसमें जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जाके पहुंचते हैं काम करते करते करते, जो टीम एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचती है, तो हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि कॉस्ट वेरिएंस बताओ, मींस हमें बताओ कि एक्चुअल कॉस्ट जो थी, एक्चुअल खर्चा जो हुआ था, अगर उसको कंपेयर करें वैल्यू ऑफ वर्क से, मतलब काम की वैल्यू से, तो हमें कंपैरिजन क्या मिलता है, हमें जो वेरिएंस मिलता है वो नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है। नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव तब आएगा जब प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, जितना पैसा लगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितनी वैल्यू मिली वो कम होगी। अगर आपको वैल्यू कम मिल रही है तो ओवर बजट हो गया ना, कॉस्ट, कॉस्ट की वैल्यू अगर कम मिल रही है तो आपका ओवर बजट हो गया। ठीक है, फ़ायदा कम हो रहा है आपको, फ़ायदा माइनस में हो रहा है आपका फ़ायदा, तो आप ओवर बजट हो गए। अगर आपका कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है तो आप जो है अंडर बजट हो गया, आप अंडर बजट हो, जितना आपने बजट सोचा था उससे कम बजट आपका यूज़ हो रहा है, सो आप अंडर बजट हो गए। सो कॉस्ट वेरियंस इक्वल्स टू ईवी माइनस एसी। सो बेसिकली जितना भी काम पूरा हुआ है उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी ज़्यादा घटी है, वो तो हमारा हो गया कि प्रोजेक्ट अंडर बजट है, और किए गए कार्य के हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी बड़ी है वो हो गया हमारा ओवर बजट। सो दोस्तों इसके बाद हमारे आता है सो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीपीआई। सो अगर कोई आपसे सवाल करता है कि आपका प्रोजेक्ट अंडर बजट है या ओवर बजट है, तो आप जो अर्नड वैल्यू है काम की, जो अर्नड वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो एक्चुअल कॉस्ट से। तो अगर 1 से ज़्यादा आता है तो मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा चल रहा है और अंडर बजट चल रहा है, और अगर सीपीआई की वैल्यू जो है 1 से कम आती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो अंडर बजट चल रहा है। सो सवाल ये पूछा जा सकता है कि हमें बताइए कि हाउ मच इज द वर्क बीइंग कंप्लीटेड कॉस्टिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वाज प्लान, कि जो भी आपने प्लान किया था उस हिसाब से आपका काम, काम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हुई है या कम हुई है कंपैरिजन करके। तो ये सवाल हो सकता है और इससे पता लग जाता है हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो है अंडर बजट है या ओवर बजट है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जो भी खर्चा आपने पर्टिकुलर कार्य के लिए प्लान किया था
इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी खर्चा आपने पर्टिकुलर कार्य के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्लान किया था पहले, क्या उसी हिसाब से अभी आपका खर्चा आपके काम की वैल्यू उतनी, मतलब उतनी हुई है कि नहीं हुई है, मतलब प्लान्ड वर्क वैल्यूज जो थी, प्लान्ड वर्क वैल्यू थी या वर्क की जो प्लान्ड वैल्यू थी उसके हिसाब से अभी आपके वर्क की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। सो पीवी जो होता है उसको बोलते हैं प्लान्ड वैल्यू। और इसको, इसका क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी एट दिस टाइम। इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये क्वेश्चन है। और जो प्लान्ड वैल्यू होती है बजट की, वो उसको आप बोल सकते हैं कि एक ऑथराइज बजट होता है किसी स्केड्यूल्ड कार्य का, पहले से स्केड्यूल्ड किए गए काम का, वर्क का एक ऑथराइज बजट जो है उसको प्लान्ड वैल्यू बोलते हैं। तो प्लान्ड था कुछ एक काम की वैल्यू, पहले से ये प्लान थी लेकिन अभी उस काम की वैल्यू जो है घट गई है तो आपका प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि हमारा स्केड्यूल जो है पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है? तो उसके लिए जो है एक फॉर्मूला होता है स्केड्यूल वेरिएंस का। तो स्केड्यूल वेरिएंस जो बराबर होता है वो होता है हमारा जो ईवी है, ईवी अर्नड वैल्यू, अर्नड वैल्यू माइनस हमारा प्लान्ड वैल्यू। तो हमने जितनी वैल्यू वर्क की अर्न की है अभी उसमें से घटा देंगे प्लान वैल्यू, जो भी प्लान वैल्यू है। तो जो भी जो लाइक जो भी फाइनल वैल्यू आएगी हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि स्केड्यूल जो है कितना बिहाइंड है या फॉरवर्ड है, आगे चल रहा है स्केड्यूल या बिहाइंड चल रहा है। तो नेगेटिव अगर आती है एस पी की वैल्यू, मीन्स हमारे वेरियंस, स्केड्यूल वेरियंस अगर नेगेटिव आता है तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है स्केड्यूल से, जो प्लान स्केड्यूल था उससे पीछे चल रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है स्केड्यूल वेरिएंस की तो हमारा प्रोजेक्ट आगे चल रहा है प्लान से। तो इस तरह से हम एक्चुअल वर्क जो हुआ है उसको कंपेयर करते हैं प्लान्ड वर्क से या प्लान्ड स्केड्यूल से। सो दोस्तों, इसको कहते हैं स्केड्यूल वेरिएंस। सो स्केड्यूल वेरिएंस के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितना ज़्यादा वर्क एकम्प्लिश किया है हमने कंपेयर टू जो कि प्लान किया था, उसके कंपैरिजन में मींस कितना ज़्यादा हमने काम करा है जो कि प्लान किया था, या कितना कम काम करा है हमने जो कि हमने प्लान किया था। तो इसमें हमें पता लग जाना चाहिए हम स्केड्यूल वेरिएंस की बात कर रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एस पी आई। तो एस पी आई को मेज़र करते हैं ई वी बाय पी वी से, मतलब अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू। तो इसमें, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि स्केड्यूल जो है वो आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। और अगर वैल्यू जो है वन से ज़्यादा आती है तो मीन्स एस पी आई की वैल्यू वन से ज़्यादा आती है तो मतलब स्केड्यूल सही चल रहा है, आगे चल रहा है। और एस पी आई की वैल्यू कम आती है तो स्केड्यूल पीछे चल रहा है। और इसका जो सवाल आता है वो आता है कि जो वर्क किया गया है उसका कंपैरिजन करें अगर प्लान्ड वर्क से, तो क्या मतलब कंपैरिजन आएगा। तो ये पता चलता है कि स्केड्यूल से आगे चल रहे हैं या स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम, ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि टोटल फॉरकास्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगी, पूरे प्रोजेक्ट की फॉरकास्टेड कॉस्ट क्या होगी। और फॉरकास्टिंग, और फॉरकास्टिंग होती है बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस, अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसके बेसिस पे हम फॉरकास्टिंग करते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं,
एस्टिमेट एट कंप्लीशन, जिसके चार फॉर्मूले हैं। सो दोस्तों बी ए सी आता है सबसे पहले, बजट एट कंप्लीशन। इसका मतलब है कि फाइनल कॉस्ट क्या होगी प्रोजेक्ट की एज पर प्लान, एज पर ओरिजिनल प्लान फाइनल कॉस्ट क्या होगी बजट की, ओ सॉरी प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट की फाइनल कॉस्ट क्या होगी, उसको कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। उसके बाद आता है हमारा एस्टिमेट एट कंप्लीशन। सो एस्टिमेट एट कंप्लीशन या एस्टिमेट टू कंप्लीट, ई टी सी, नहीं एस्टिमेट एट कंप्लीशन बाद में हम देखते हैं, पहले देखते हैं एस्टिमेट टू कंप्लीट मीन्स एस्टिमेटेड। एस्टिमेट टू कंप्लीट होता है कि कितनी ज़्यादा और कॉस्ट लगेगी बाकी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। रिमेनिंग पार्ट जो है प्रोजेक्ट का उसको फिनिश करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो वो हम निकालेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन। एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन कॉस्ट जो होती है उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट को, एक्चुअली जितना खर्चा हुआ है उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट में से, तो हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेट टू कंप्लीट, मतलब बाकी जो पार्ट है प्रोजेक्ट का उसको कंप्लीट करने के लिए कितना एस्टिमेट लगेगा, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमें उसी पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है इसमें हमें दिया गया है। फिर हमारा आता है टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बी ए सी माइनस ई वी अपॉन बी ए सी माइनस ए सी। बी ए सी हो गया हमारा बजट एट कंप्लीशन, और बजट एट कंप्लीशन में से हम मान माइनस करें अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय बजट एट कंप्लीशन माइनस ए सी। सो दोस्तों इसका मतलब है कि व्हाट लेवल ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस मस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट वर्क मीट इन ऑर्डर टू मीट द बजट। सो बजट प्लान्ड बजट जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें कितनी परफॉर्मेंस चाहिए बाकी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द बजट। सो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि टी सी पी आई जो वाला जो फॉर्मूला है उससे हमें पता चलता है कि कितनी परफॉर्मेंस चाहिए हमें कॉस्ट की टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द बजट, बजट में कंप्लीट करने के लिए। तो बजट वाला जो है बी ए सी माइनस ई वी हो गया अपॉन बी ए सी माइनस ए सी एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद आता है वेरियंस एट कंप्लीशन, वी ए सी वेरियंस एट कंप्लीशन। तो वेरियंस जो है वो किस में होता है, वेरियंस होता है बजट में और एस्टिमेट में। तो बजट एट कंप्लीशन माइनस एस्टिमेट एट कंप्लीशन, तो अब वेरियंस आ जाएगा, नेगेटिव वेरियंस होगा तो पता चल जाएगा हमें कि हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट है, और पॉजिटिव आएगा तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ओवर बजट है। क्यों क्यों ओवर बजट है, क्योंकि पॉजिटिव जो आएगी वैल्यू वेरियंस की वो कब आएगी, हमारे पास बी ए सी माइनस ई ए सी है, मतलब बजट एट कंप्लीशन माइनस एस्टिमेट एट कंप्लीशन। सो बजट की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर, और एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो कम होगी, मतलब बजट हमारा ज़्यादा है और एस्टिमेट हमारा कम है, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब बजट अंडर कंट्रोल है। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो बजट है, हमारा जो बजट है वो सॉरी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर बजट है या ओवर बजट है, और उसके लिए हमें दे दिए जाएंगे बी ए सी और ई ए सी, तो हमें वेरिएंस निकाल के पता करना होगा। सो दोस्तों अब समराइज कर लेते हैं कॉस्ट और स्केड्यूल फॉर्मूलाज को। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट वेरिएंस की। कॉस्ट वेरिएंस मतलब कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया है वो कैसे पता चलेगा, कॉस्ट में वेरिएंस आया है वो पता चलेगा कि हमने टोटल जो प्रोजेक्ट पे जो फंडिंग करी है, टोटल खर्चा करा है, या एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या है ये पता होना चाहिए हमें, और उसमें से जो वर्क करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई है मॉनेटरी टर्म्स में, वो वैल्यू क्या निकल के आई है। तो अगर अर्न वैल्यू
अगर वैल्यू जो है वो खर्चे से ज़्यादा है, अगर वैल्यू अर्नड वैल्यू जो है खर्चे से ज़्यादा है, जितना हमने फंडिंग करी, जितना हमने खर्चा करा पूरे प्रोजेक्ट पे, हर एक्टिविटी पे, हर वर्क पैकेज को करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा हमारी अर्नड वैल्यू हो तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, उसकी कॉस्ट वेरियंस पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब है हम अंडर बजट है, विद इन बजट काम कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू जो है अर्नड वैल्यू जो है अगर कम है, हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, जो हमारे वर्क हो रहा है वो कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और एक्चुअल कॉस्ट जो लगी है वो ज़्यादा लगी है, तो हम ओवर बजट कह सकते हैं अपने आप को। मतलब हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर बजट, बजट जितना सोचा था उससे ऊपर खर्चा हो जाएगा हमारा। सो नेगेटिव वेरियंस का मतलब है नेगेटिव कॉस्ट वेरियंस। अगर नेगेटिव सीवी आता है तो ओवर बजट, अगर पॉजिटिव सीवी आता है तो अंडर बजट रहेंगे। अगर कॉस्ट वेरियंस जो है मींस जितना हमने खर्चा करा उतना ही हमने वैल्यू निकाल ली, मींस अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ईवी माइनस एसी, अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा जो जीरो कॉस्ट वेरियंस होता है, और इसका मतलब होता है कि हम ऑन बजट हैं। मतलब जितना बजट हमने सोचा था, जितना बजट हमने जो है लगाया था, उतनी ही वैल्यू हमें मिल गई है। तो प्रोजेक्ट जो है ठीक से एग्जीक्यूट हो गया है। इसके अलावा जो है स्केड्यूल वेरियंस होता है, कॉस्ट वेरियंस के अलावा जो है स्केड्यूल वेरियंस होता है, स्केड्यूल आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं उससे, या ऑन शेड्यूल चल रहा है वो कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है हम अर्नड वैल्यू जो है हमारी, जो वैल्यू अर्न हुई है हमारी, या जो हमें मतलब रिटर्न्स मिले हैं उनमें से जो है माइनस कर देते हैं हम, ईवी में से माइनस कर देते हैं हम प्लान्ड वैल्यू, जो हमने प्लान करी थी वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पे। सो अर्नड वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम माइनस प्लान्ड वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर कर दें तो हमें स्केड्यूल की वेरियंस का पता चल जाता है, स्केड्यूल का पता चल जाता है। तो मान लीजिए कि रिटर्न ज़्यादा है, जितने हमने प्लान करे थे उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है रिटर्न्स ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है हमारा अहेड ऑफ शेड्यूल है, क्योंकि पॉजिटिव स्केड्यूल वेरियंस की वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है स्केड्यूल वेरियंस की, एसवी की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड द स्केड्यूल। अगर बराबर आ रही है दोनों की, मीन्स हमारा सॉरी ज़ीरो आ रही है, तो प्रोजेक्ट इज़ ऑन स्केड्यूल। सो इसी तरह दोस्तों हम सीपीआई और एसपीआई जो है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उनकी वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अंडर बजट है या ओवर बजट है, या अंडर शेड्यूल है, स्केड्यूल है या ओवर स्केड्यूल है। सो उनके फार्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो होता है हमारा ईवी अपॉन एसी, अर्नड वैल्यू अपॉन एसी, और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है अर्नड वैल्यू अपॉन पीवी। सो वन से ज़्यादा होगा तो गुड होगा, वन से कम होगा तो बैड होगा। सो एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने वैल्यू अर्न करी है $4 लाख की, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो $6 लाख थी, और इसमें जो प्लान्ड वैल्यू थी हमारी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो थी $2 लाख। तो ये पूछ रहे हैं कॉस्ट वेरियंस बताओ, वेरियंस इन कॉस्ट मतलब प्रोजेक्ट अंडर बजट है या ओवर बजट है, ये कैसे बताएंगे? तो हम सिंपल करेंगे, कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला लगा देंगे जिसको कहते हैं ईवी माइनस एसी। ईवी हमारा $4 लाख है, एसी हमारा $6 लाख है, $4 लाख माइनस $6 लाख माइनस $2 लाख हो गया, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, जिसका मतलब है हम जो है ओवर बजट है, हमारा बजट जो है वो एक्सीड हो गया है, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया है।
नेगेटिव सीवी का मतलब है हम ओवर बजट हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड जो है टिल नाउ आर मोर देन द वैल्यू ऑफ द वर्क दैट वी हैव गॉटन डन. सो कॉस्ट वेरिएंस पे अगला सवाल हमसे पूछा गया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने आपने वैल्यू अर्न करी है 8,000 डॉलर की, और जो कॉस्ट खर्चा हुआ है वो 5,000 डॉलर का हुआ है, तो कॉस्ट वेरिएंस बताओ. तो सिंपल है, 8,000 डॉलर जो है वो हमारा वैल्यू जनरेट हुई है, उसमें से माइनस कर देंगे जो कॉस्ट थी, तो 8,000 में से 5,000 डॉलर गए, कितने डॉलर बचे? 3,000 डॉलर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारी, नेगेटिव वैल्यू नहीं है. पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है हम अंडर बजट हैं. अंडर बजट एक अच्छी चीज़, अंडर बजट होना एक अच्छी चीज़ है, मतलब जितना बजट हमने सोचा था उससे कम बजट हमारा लगा है. इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट इज गोइंग फाइन बिकॉज यू हैव स्पेंट लेसर, जो खर्चा किया वो लेस किया है और जो वैल्यू मिली है वो ज़्यादा मिली है. तो अब अगला क्वेश्चन है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, सीपीआई पे. तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपके प्रोजेक्ट ने वैल्यू अर्न करी है 900 डॉलर की और कॉस्ट थी 1,000 डॉलर की, तो बताइए कि व्हाट इज़ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीआई, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या कहता है. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा जो है ईवी अपॉन एसी कर देंगे, 900 अपॉन 1,000 कर देंगे, तो हमारा 0.9 आ जाता है आंसर. जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है सीपीआई की वैल्यू आ जाती है 0.9. अब हमें पता है कि 1 से कम आएगी, तो सीधी सीधी बात है कि हम, ये कॉस्ट का क्वेश्चन है ना, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड क्योंकि 1 से कम आया है. दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 डॉलर खर्च करते हैं तो हमें 0.9 डॉलर, 0.9 सेंट्स जो है हमें उसके मिलते हैं उस वैल्यू. सो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है वैल्यू से, 1 डॉलर के लिए जो 0.9 सेंट्स मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड. सो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड. सो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम लविंग इट. सो दोबारा से क्वेश्चन आया जिसमें वो कह रहा है कि हमारे जो अर्नड वैल्यू है वो 2,200 डॉलर है और एक्चुअल कॉस्ट जो लगी थी, जो खर्चा हुआ था, वो 1,200 डॉलर का हुआ था. तो कह रहा है कि सीपीआई बताओ क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे माइंड में दिखता है, जैसे हमें विजिबल होता है, हमें एसी अपॉन ईवी, सॉरी ईवी अपॉन एसी जो है हमें करना होता है, तो 2,200 अपॉन 1,200 करते हैं और हमें वैल्यू मिल जाती है सीपीआई की 1.8, जो कि 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 डॉलर पे हमें 1.8 डॉलर मिल रहा है. 1 डॉलर खर्च करते हैं तो 1.83 डॉलर हमें मिल रहा है रिटर्न, जो कि अच्छा, अच्छी बात है प्रोजेक्ट के लिए. इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है. दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब स्केड्यूल, पहले कॉस्ट से रिलेटेड थे, अब स्केड्यूल वेरिएंस से रिलेटेड है. तो हमें दिया गया है कि अर्नड वैल्यू जो है वो 40,000 डॉलर एक प्रोजेक्ट पे, और मतलब जो हमने वैल्यू अर्न करी है वो 40,000 की अर्न करी है, और जो प्लान थी, प्लान्ड वैल्यू थी वो 50,000 डॉलर थी. सो वेरिएंस निकालना है और बताना है कि इसका क्या मतलब है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. तो वेरियंस हो जाएगा ई वी माइनस पी वी, 40,000 डॉलर माइनस 50,000 डॉलर, बचे माइनस 10,000 डॉलर, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो गई हमारी, स्केड्यूल वेरियंस की नेगेटिव वैल्यू हो गई. इसका मतलब ये है कि जब आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो प्रोजेक्ट इज, स्केड्यूल की बात हो रही है तो इट इज़ प्रोजेक्ट इज लाइक बिहाइंड द स्केड्यूल.
मॉनिटरी टर्म्स में देखते हैं तो -$10,000 बिहाइंड द स्केड्यूल है प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों स्केड्यूल वेरिएंस पे। एक प्रोजेक्ट है जिसमें अर्न्ड वैल्यू हमें मिलती है $6 लाख की और प्लान्ड वैल्यू जो थी प्रोजेक्ट की वो $5 लाख थी। तो 6 लाख माइनस 5 लाख कितना होता है? $1 लाख। तो हम इससे पता लगता है कि पॉजिटिव वैल्यू है स्केड्यूल वेरिएंस की। तो स्केड्यूल इज तो वी आर अंडर स्केड्यूल, इसका मतलब ये है, सॉरी वी आर अहेड ऑफ स्केड्यूल, क्योंकि हम हमारी वैल्यू जो है 1 लाख डॉलर्स आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम पीछे नहीं चल रहे, हम स्केड्यूल से आगे चल रहे हैं। दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट। दोस्तों अब क्वेश्चन है स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स का। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका SPI जो है 1.4 है। तो वो कह रहे हैं इंटरप्रेट करो रिजल्ट को। 1.4 जो है स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसका मतलब ये है कि एक 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। 1 से ज़्यादा, जब परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है वो जो है प्रोजेक्ट जो है परफॉर्म कर रहा है अच्छे तरीके से। दैट मीन्स गुड, प्रोजेक्ट इज परफॉर्मिंग एंड इट्स काइंड ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस एंड वी आर गेटिंग द वर्क डन एट अ फास्टर रेट देन व्हाट वाज प्लान्ड। शेड्यूल में जो है पीवी आता है, प्लान्ड प्लान्ड वैल्यू आती है। तो ईवी अपॉन पीवी मतलब ईवी इज ग्रेटर देन पीवी, अर्न्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन प्लान्ड वैल्यू, विच मीन्स गुड फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसी तरह दोस्तों अगर SPI की वैल्यू जो है वो less than 1 आती है तो वो अच्छी बात नहीं है। दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड लाइक ईवी अपॉन पीवी होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ईवी जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम है और प्लान्ड वैल्यू से कम है हमारी। तो पर इट्स बैड फॉर द प्रोजेक्ट, इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। दोस्तों अब हमारे पास आता है फॉरकास्टिंग करना। हाउ टू फॉरकास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम, फ्यूचर परफॉर्मेंस अगर हमें फॉरकास्ट करनी है। देर आर 3 मेजर टेक्निक्स फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्ट करने के लिए जो एस्टिमेट एट कम्प्लीशन EAC, एस्टिमेट टू कम्प्लीट ETC एंड टू कम्प्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स TCPI। इन सबको डिस्कस करते हैं आगे। एस्टिमेट एट कम्प्लीशन टेक्निक जो है वो हमारी मदद करती है वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी एंड में ये फोरकास्ट करने में। फोरकास्टिंग करते हैं हम कि प्रोजेक्ट की वैल्यू एंड में क्या होगी। इसका मतलब ये है कि कितना पैसा लगेगा प्रोजेक्ट को फिनिश करने में, या फिर कितना कॉस्ट हमारी लगेगी, कितना अमाउंट ऑफ मनी लगेगा प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अस टू कंप्लीट इट। तो इसको निकालने के जो है कई फॉर्मूलाज आते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं। तो इसको कहते हैं एस्टिमेशन एट कंप्लीशन या एस्टिमेट एट कंप्लीट। EAC निकालने के लिए हम बजट एट कंप्लीशन जो होता है BAC डिवाइडेड बाय कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कर देते हैं, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं BAC, तो हमें EAC मिल जाता है एस्टिमेटेड। और अगर हमारे पास जो है एक्चुअल कॉस्ट है, हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है
और अर्नड वैल्यू है, और हमारे पास बजट एट कंप्लीशन BAC की वैल्यूज़ हैं, ये तीन वैल्यूज़ हैं, तब भी हम एस्टिमेटेड एस्टिमेट एट कंप्लीशन जो है EAC की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, एक्चुअल कॉस्ट में जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसमें जो है BAC और EV का डिफरेंस जो है ऐड करना होगा। मींस बजट एट कंप्लीशन, जो हमारा बजट है, बजट में से जो है हम अर्नड वैल्यू, जो हमने वैल्यू अर्न करी है बजट में से, अर्न वैल्यू अर्न करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, जो वेरिएंस आएगा हमारे पास, उसको एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सो दोस्तों चार फॉर्मूले हैं, एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन निकालने के लिए, एस्टिमेट एट कंप्लीशन को निकालने के लिए। पहला है EAC इज इक्वल टू BAC डिवाइडेड बाय कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके बाद EAC इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट प्लस बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्नड वैल्यू। देन उसके बाद है AC प्लस बॉटम अप एस्टिमेट टू कंप्लीट। फिर है हमारा AC प्लस BAC माइनस EV डिवाइडेड बाय CPI इनटू SPI। सो आइए डिस्कस करते हैं इनको आगे। सो दोस्तों हम एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन जो कॉस्ट है उसका एक फॉर्मूला देखते हैं। सो जब भी हमारे, हमें पता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो चेंज नहीं होगा, जो अभी परफॉर्मेंस है, जो पास्ट में परफॉर्मेंस था वही जो है आगे के प्रोजेक्ट के दौरान जो है वही परफॉर्मेंस रहेगा, तो उस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। उस केस में हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंक्लूड करना पड़ेगा अपने फार्मूला में, और हमारा फार्मूला हो जाएगा बजट एट कंप्लीशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी EAC की। सो दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जिसका बजट एट कंप्लीशन जो है, बजट जो है वो है $2 लाख, और जिसका परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो है 0.8। सो अगर, हाँ, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेट एट कंप्लीशन, कंप्लीशन के टाइम पे कॉस्ट क्या होगी, तो निकल के आती है हम BAC अपॉन CPI कर देते हैं, 2 लाख अपॉन 0.8, हमारे पास $2.5 लाख आता है, मतलब बजट से ज़्यादा आता है, $50,000 ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये है कि 0.8 की परफॉर्मेंस अगर चलती रही टिल एंड, सो हमें 2 लाख बजट पे जो है 2.5 लाख, 50,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर स्पीड से प्रोजेक्ट चलता रहा। सो बजट जो है, बजट एट कंप्लीशन जो है वो प्लान्ड होता है, लाइक एक फिक्स बजट होता है जो कि आपने प्लान कर रखा है पहले से, और एस्टिमेट एट कंप्लीशन जो है वो बेसिकली वो एस्टिमेट है कॉस्ट का जो कि एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। बजट की एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होती है, जो भी हमें बजट मिला उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर कैसे परफॉर्म करता है, उस परफॉर्मेंस पे के बेसिस पे जो है हमारा एस्टिमेट कैलकुलेशन होता है। कई बार दोस्तों ऐसा केस हो जाता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट के दौरान है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, और उस वजह से जो है एक चेंज होता है बजट एस्टिमेट में, बजट एस्टिमेट जो है डेविएट हो जाते हैं और फिर वापस अपने नॉर्मल उसमें सिचुएशन में आ जाते हैं। सो दोस्तों ऐसे केस में जो है एस्टिमेट एट कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारा AC प्लस BAC माइनस EV। मींस जो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जो है एक्चुअल कॉस्ट है
एक्चुअल कॉस्ट जो है उसको प्लस कर देते हैं कॉस्ट फॉर द रिमेनिंग वर्क। सो कॉस्ट फॉर द रिमेनिंग वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो है हम बजट एट कम्प्लीशन, जो हमारा बजट एट कम्प्लीशन है उसमें से अर्न वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जो भी हमने वैल्यू अर्न करी है उसको माइनस कर देते हैं अभी तक। सो कॉस्ट फॉर रिमेनिंग वर्क आ जाता है और हमारा जो हमें फाइनल जो है एस्टिमेटेड कंप्लीशन मिल जाता है उससे। सो दोस्तों कॉस्ट जैसे बीच में राइज हो गई लेकिन फिर नॉर्मलाइज हो गई थी, तो हमारा जो एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन जो वैल्यू थी वो हमें जो है लाइक अगर हम पहले देखें तो बजट एट कंप्लीशन जो था $2 लाख था, लेकिन अब एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन जो कॉस्ट है वो $2,20,000 है, मतलब $20,000 बढ़ गए हैं ड्यू टू सम सडन चेंज इन कॉस्ट, और जो कि फिर नॉर्मलाइज हो गया था। तो यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड कंप्लीशन निकाल लिया था, एक्चुअल कॉस्ट जो थी हमारी उसको ऐड करके बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्नड वैल्यू का जो डिफरेंस था उनको ऐड करके जो है हमने यहाँ पे निकाल लिए थे अपनी कंप्लीशन पे एस्टिमेट। दोस्तों अगर कोई ऐसा सिनारियो आ जाता है प्रोजेक्ट में जिसमें हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट है उसमें कुछ गलती हो जाती है अगर, तो हमें दोबारा से नया कॉस्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर द वर्क जो कि बच जाता है प्रोजेक्ट में, बचे हुए काम के लिए हमें नया प्रोजेक्ट एस्टिमेट निकालना पड़ता है, नया कॉस्ट एस्टिमेट निकालना पड़ता है। इस मेथड में हम इंडिविजुअली दोबारा से सब एक्टिविटी के जो कॉस्टिंग होती है वो कैलकुलेट करते हैं और उनको सम करना पड़ता है ताकि हमें टोटल कॉस्ट अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग वर्क हमें मिल जाए। सो दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट था और जिसका बजट था $3 लाख, और अभी तक जो काम हुआ था वो हुआ था $1 लाख का, लेकिन जो स्पेंट हो गए थे खर्चा हो गया था वो $1,20,000 का हो गया। प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा था हमने देखा कि हमारे जो एस्टिमेट थे उसमें गलती हो गई है कुछ। अब हमने बाकी जो प्रोजेक्ट रह गया है हमारा रिमेनिंग काम रह गया प्रोजेक्ट का उसके लिए बजट एस्टिमेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? फिर हम अपनी प्रोजेक्ट टीम के साथ बैठे और उनको बताया कि हमें बाकी काम का जो है बजट कैलकुलेट करना है। तो हमें पता चला कि $3.5 लाख चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, $3.5 लाख का बजट चाहिए। तो हमें निकालना है एस्टिमेट एट कंप्लीशन। तो एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकालने के लिए जो सिंपली हमने क्या किया, हमारे पास बजट जो था वो था इनिशियल बजट जो था हमारे पास वो था $3 लाख का, जो है पहले एलोकेट किया गया था, और एक्चुअल खर्चा जो $1,20,000 का हुआ था तो AC हो गया, एक्चुअल कॉस्ट जो हो गई $1,20,000 हो गई, और हमने जो काम निकाला है वो कितना निकाला है अभी तक $1 लाख का काम निकाला है अभी तक, और एस्टिमेट टू कंप्लीट जो बताया गया वो बताया गया $3.5 लाख। तो हमें अभी तक का जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है वो $1,20,000 है, अगर हमें एस्टिमेट निकालना है तो हम $1,20,000 जो हमारा खर्चा है उसमें ऐड कर देंगे बाकी बॉटम अप एस्टिमेट टू कंप्लीट जो कि $3.5 लाख है, टोटल $4,70,000 आ जाता है। तो एस्टिमेट एट कंप्लीशन जो होगा वो होगा, अगर हम एस्टिमेट लगा रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, तो $4,70,000 और लगेंगे। 3 लाख का बजट था लेकिन एस्टिमेट
एट कंप्लीशन जो है वो 4,70,000, मतलब 1,70,000 डॉलर ज़्यादा लग रहे हैं। सो ये एक और तरीका था एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकालने का, और एक और सिनारियो था। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट फार्मूला है एस्टिमेट एट कंप्लीशन कैलकुलेट करने का, वो उन सिनारियोज के लिए है जहाँ पे हमारा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है बिहाइंड स्केड्यूल है, मतलब स्केड्यूल भी आ गया इसमें और बजट जो है ऊपर जा रहा है, तो ओवर बजट है। तो इसमें दो वैल्यूज़ हैं, हमें स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी यूज़ करना पड़ेगा और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी यूज़ होगा। तो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ देते हैं BAC माइनस AV अपॉन CPI इनटू SPI, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय SPI। नीचे ऊपर होगा BAC माइनस EV, और इसको जमा कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ। दोस्तों अगला फॉर्मूला जो एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकालने का है वो AC प्लस बॉटम अप एस्टिमेट टू कंप्लीट है। सो इसमें क्या होता है, इसमें वो सिनारियो होता है जिसमें आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट है उसमें कोई कमी आ जाती है, मतलब आपका जो एस्टिमेट है कॉस्ट का उसमें कोई कमी आ जाती है, और फिर से आपको जो है दोबारा नए सिरे से जो है कॉस्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि बाकी काम रह गया प्रोजेक्ट में। सो दोस्तों इसमें जो है, इस मेथड में जो है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडिविजुअल एक्टिविटी की कॉस्ट जो है वो इवेलुएट करनी पड़े और कैलकुलेट करनी पड़े, और फिर आप उनको ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए। सो एक सवाल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन है एक कि एक जो हमारा ब्रिज है, एक प्रोजेक्ट है ब्रिज बनाने का, और उसका जो बजट है वो है 3 लाख डॉलर, और उसको उस पे जो खर्चा होता है वो होता है 1,20,000 डॉलर का, और जो हमें जो काम होता है उसकी वैल्यू, जो काम हुआ है उस पे अभी तक का जो काम हुआ है वो है, उसकी वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में 1 लाख डॉलर। सो मतलब खर्चा हुआ है 1,20,000 डॉलर, यानी कि 1,20,000 डॉलर जो है वो हो गया आपका एक्चुअल कॉस्ट। जो बजट कॉस्ट है वो हो गई 3 लाख डॉलर BAC, और 1 लाख डॉलर जो है वो आपका हो गया अर्न्ड वैल्यू कॉस्ट। सो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान हमने देखा कि एस्टिमेट्स में कोई गलती हो गई या फ्लॉ आ गया, तो दोबारा से हमें कैलकुलेट करना है बजट बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट का। उस पॉइंट ऑफ टाइम में बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट का बजट हमें दोबारा कैलकुलेट करना है। तो हम प्रोजेक्ट टीम के साथ बैठे और उन्होंने फाइंड आउट किया कि 3,50,000 डॉलर लगेंगे बाकी का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, मतलब 3.5 लाख डॉलर लगेंगे। मतलब हमारा बजट था 3 लाख डॉलर का, लेकिन अब टीम कह रही है कि 3.5 लाख डॉलर लगेंगे हमारे हमारे को ये प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है एस्टिमेट एट कंप्लीशन। कंप्लीशन पे क्या एस्टिमेट निकालना है, कंप्लीशन पे क्या कॉस्ट होगी, कंप्लीशन पे क्या कॉस्ट होगी। सो हमारी एक कॉस्ट तो हमारे पास है ही, जो अभी तक की कॉस्ट है वो कितना खर्चा हुआ है, 1,20,000 डॉलर। ठीक है, बचे हुए प्रोजेक्ट में मतलब एस्टिमेट टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेट टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टीम ने बताया हमें 3.5 लाख डॉलर और लगेंगे। तो कुछ नहीं करना, 3.5 लाख डॉलर जो अभी से लेके आगे तक 3.5 लाख डॉलर लगेंगे उसको जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे जो हमारी अभी तक का खर्चा हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, 1,20,000 डॉलर। सो हमारे पास आ जाएगा 4,70,000 डॉलर। सो इस तरह से जो है ये टेक्निक है EAC निकालने की, एस्टिमेट एट कंप्लीशन।
इसको एसी प्लस बॉटम अप भी बोलते हैं, सो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। सो दोस्तों अगला फॉर्मूला है जिसमें वो सिनारियो देखा जाता है जिसमें हमारे पास हमें जो है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दे रखा है और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स दे रखा है, हमें एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकालना है। एक्चुअल कॉस्ट भी दे रखी होगी हमें, बजट भी दे रखा होगा हमें, और अर्नड वैल्यू भी दे रखी होगी। हमें निकालना होगा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि निकल जाएगा क्योंकि ई हमारे पास है ईवी एसी और ईवी और पीवी, सो हमारे पास सीपीआई और एसपीआई दोनों निकल जाएंगे। और ये उन सिचुएशंस के लिए होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट या तो बिहाइंड शेड्यूल चला गया है, शेड्यूल ठीक से नहीं चल रहा है उसमें, मतलब तो टाइम पर नहीं काम हो रहा है और ओवर बजट जा रहा है हमारा। सो इन सच सिचुएशंस यूज दिस फॉर्मूला। एन ईजी वे टू रिमेंबर इट इज़ दैट इट इज़ द ओनली ई ए सी फार्मूला जिसमें स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसके अंदर ही स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स यूज़ होता है। सो इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसके बजट जो है $4 लाख है और $2 लाख जो है अभी तक जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमने स्पेंड कर दिया उस पर, और जो अर्नड वैल्यू मतलब अभी तक जो काम किया गया उसकी जो वैल्यू है वो है $1,60,000। तो एज पर द प्लान्ड स्केड्यूल जो हमने प्लान किया था, स्केड्यूल प्रोजेक्ट की जो प्लान्ड वैल्यू होनी चाहिए अभी तक वो होनी चाहिए थी $2,30,000। तो कह रहे हैं कि ईएसी कैलकुलेट करो, एस्टिमेट क्या हुआ कंप्लीशन पे। तो दोस्तों हमारे पास है बजट $4 लाख का, हमारे पास है एक्चुअल कॉस्ट एसी $2 लाख की, अर्नड वैल्यू ईवी भी है हमारे पास $1,60,000, और प्लान्ड वैल्यू भी दे रखी है $2,30,000 की। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल, पहले निकाल लेंगे कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ईवी हमारे पास है, एसी हमारे पास है, $1,60,000 डिवाइडेड बाय $2,60,000, तो हमारे पास आ जाता है 0.8 सीपीआई। कॉस्ट परफॉर्मेंस जो है वो 0.8 आ गई। फिर स्केड्यूल परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं, $1,60,000 डिवाइडेड बाय $2,30,000, ईवी बाय पीवी, अर्नड वैल्यू बाय प्लान्ड वैल्यू, 0.69 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास जो है एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट को जोड़ देंगे एक्चुअल कॉस्ट को जोड़ देंगे हम, जो डिफरेंस आएगा बजट माइनस अर्नड वैल्यू। बजट में से अर्नड वैल्यू घटाई और फिर उसको डिवाइड कर दिया कॉस्ट परफॉर्मेंस और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है $5,63,636, ईएसी वैल्यू आ गई। सो सिंपल है, हमें देखना है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन में कि नहीं। अगर सिचुएशन नहीं दी हुई तो हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यूज निकल के आती है, फिर उस हिसाब से जो है कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों एक और फॉर्मूला है कॉस्ट परफॉर्मेंस को निकालने का, कॉस्ट परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करने का, वो है टीसीपीआई, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंप्लीट करने के लिए जो परफॉर्मेंस चाहिए वो क्या होगी? तो उसके लिए हमें दो बजट दे रखा होगा, ईवी और एसी दे रखा होगा। सिंपल करेंगे, टीसीपीआई बराबर होगा हमारा, ऊपर बीएसी नीचे बीएसी आएगा, लेकिन ऊपर बीएसी में से जो है ईवी अर्नड वैल्यू माइनस कर देंगे और नीचे बीएसी में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको कहेंगे कि ये हमारी मतलब इतना जो है हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस, कॉस्ट का परफॉर्मेंस चाहिए होगा टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन बजट एट कंप्लीशन। सो अपने बजट के अंदर हमें, अपने बजट यानी कि बीएसी के अंडर हमें जो है इतनी इतना परफॉर्मेंस स्पीड चाहिए होगी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सिंपल।
इसमें भी एक क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें नई बिल्डिंग बनानी है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो है 1,20,000 डॉलर, मतलब एक्चुअल कॉस्ट, और अभी तक जो है 20,000 डॉलर खर्च हो, सॉरी सॉरी, एक 1,20,000 जो है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है और मतलब बजट है, और हमने खर्च किए हैं अभी तक 20,000 डॉलर एक्चुअल कॉस्ट है। सो 20% ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, 20% ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है अर्नड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मतलब जो हमारा बजट है वो 1,20,000 डॉलर है, उसका 20% कर देंगे अगर बजट का, तो हमारे पास अर्नड वैल्यू आ जाएगी जो कि 24,000 है, और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 20,000 डॉलर। तो फॉर्मूला लगा देंगे TCPI का, BAC ऊपर BAC नीचे, BAC ऊपर जो है EV माइनस कर देंगे BAC में से, नीचे एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे, और हमारे पास 0.96 वो परफॉर्मेंस स्पीड आ जाएगी, हमारे पास परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाएगा जो हमें चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विद इन बजट। सो हमारा लास्ट जो कैलकुलेशन होगी वो होगी एस्टिमेट टू कंप्लीट की, ETC, एस्टिमेट टू कंप्लीट। सो एस्टिमेट एट कंप्लीशन इज डिफरेंट, एस्टिमेट टू कंप्लीट जो होता है वो होता है कि कितना पैसा चाहिए बाकी का काम करने के लिए, बाकी का काम फिनिश करने के लिए प्रोजेक्ट में, जो करंट पॉइंट ऑफ टाइम है इस पॉइंट के बाद हमें कितना पैसा चाहिए। सो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसका बजट है 1,00,000 डॉलर, BAC, प्रोजेक्ट इज गोइंग स्मूथ एंड यू गेट हाफ वे थ्रू व्हेन यू रियलाइज यू माइट हैव मेड अ मिस्टेक, आधा प्रोजेक्ट हो गया उसके बाद आपको लगता है कि मिस्टेक हो गई है और आपको बजट जो है दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक हमें BAC क्या मिल रहा था, 1,00,000 डॉलर, तो नया एस्टिमेट जो है हमने देखा कि नए एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो है हमें 30,000 डॉलर चाहिए पेंट करने के लिए, 20,000 डॉलर चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए और 10,000 डॉलर चाहिए वायरिंग के लिए। तो पूछ रहा है कि एस्टिमेट बताओ कंप्लीशन के लिए, मतलब बाकी का कार्य करने के लिए जो है कितना पैसा लगेगा ये एस्टिमेट बताओ। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर जो है सिंपल है, री एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क दैट रिमेन्स, जो बचा हुआ काम है उसकी री एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 30,000 डॉलर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 20,000 डॉलर, कॉस्ट ऑफ वायरिंग 10,000 डॉलर, सबको ऐड कर देंगे तो बचे हुए काम का हमें पता लग जाएगा एस्टिमेट, जो कि होगा 60,000 डॉलर। सो एस्टिमेट एट कंप्लीशन, बचे हुए काम का एस्टिमेट ऐसे भी निकाला जा सकता है, अगर हमें हमें दिया हुआ है टोटल एस्टिमेट दे रखा है, ठीक है, टोटल काम का एस्टिमेट दे रखा है, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिसमें हमें उससे पहले कितना एक्चुअल कॉस्ट है वो दे रखा है, तो सिंपल है, जो टोटल एस्टिमेट एट कंप्लीशन है दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे जो अभी तक की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, अभी तक का जो एक्चुअल खर्चा हुआ था, तो हमें रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में जितना खर्चा लगेगा, ETC लगेगा या एस्टिमेट टू कंप्लीट लगेगा, वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। सो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें सब वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना है, जो हमें चाहिए क्वेश्चन क्या है ये देखना है, क्वेश्चन क्या है ये देखना है, और सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसके अलावा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाकी जो है डिस्ट्रैक्शन हो सकती है वैल्यू। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट का ये लेक्चर जो है, ये पॉडकास्ट जो है मैं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, और मैं आपके साथ जो है इसके रियल स्लाइड्स जो है वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, रियल स्लाइड स्नैपशॉट्स भी शेयर कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट सेशन, होप हमारे जो ये अभी तक के जो मॉड्यूल हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं, स्केड्यूल मैनेजमेंट हो गया, हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, और हमारा जो है स्कोप हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। सो नहीं समझ आए तो आ जाएंगे समझ, कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।